जीनी डोसा बनाने के लिए डोसे का बेटर लिया है। इसमें किसी का घोल गाढ़ा भी होता है, किसी का पतला होता है। अब आपको ये देखना है कि ये ऐसे फ्लोइंग में होना चाहिए। और इसमें आधा चम्मच नमक ऐड कर दूंगी। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तवे को मैंने हाई फ्लेम पे गरम कर लिया। अब इसको स्लो कर देती हूँ। अच्छे से मिक्स कर लिया है। डोसे का बैटर मैं घर पे ही बनाती हूँ, मार्केट में भी इजीली अवेलेबल है। अब तवे पे कुछ बूंदे ऑयल की डालूंगी और टिश्यू पेपर की हेल्प से अच्छे से पोंछ लूंगी। मेरा नॉन स्टिकी पैन है, आयरन के पैन तवे पे भी कर सकते हैं। उस पे करने के लिए पहले पानी अच्छा गर्म करें तवे को, फिर उस पे ऑयल डाल के वाइप करें, फिर फ्लेम को ऑफ कर दें, फिर तवे को ऑन करके मीडियम हाई, मतलब ज्यादा गर्म भी नहीं होना चाहिए। अब इस पे मैं हाथ रख के कुछ डिस्टेंस से देख लूंगी, वार्म गर्मास लग रहा है मतलब, तो अपना ये तैयार है तवा। इस पे मैं बैटर डालूंगी। तवा एकदम ठंडा भी नहीं होना चाहिए। देखिए मैं दिखा रही हूँ, ऐसे गर्म जाता है। अब पानी की कुछ बूंदे डाली और कपड़े की हेल्प से वाइप से किसी से भी अच्छे से पोंछ लेते हैं। अब बैटर को मिडिल में डालूंगी। 1.5 टीस्पून डाला है मैंने और अच्छे से गोलाई में फैला देंगे। इस पे अब बटर डाल देती हूँ। बटर को अच्छे से सब जगह फ्लेम लो ही रहने देंगे, हाई फ्लेम पे जलने का रहेगा और क्रिस्पी भी नहीं बनेगा। अब अनियन डाल दूंगी, कैबेज, कैप्सिकम, थोड़ा सा पिज्जा सॉस या सिजवान सॉस जो भी अवेलेबल हो, थोड़ी सी टमाटो केचप, टिन से भी कम सॉल्ट, थोड़े से कोरिएंडर लीव, स्प्रिंग ऑनियन, और इनको अच्छे से मिक्स कर लूंगी। अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसको। थोड़ा सा केचप और पिज्जा सॉस थोड़ा और ऐड कर देती हूँ, कम लग रहा है। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, बैटर में भी डाला हुआ रहता है। ओनली वेजिटेबल्स डालते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही डालना है। वेजिटेबल हल्की बेक हो चुकी है, अब चीज ग्रेट कर देती हूँ।
इस पे मैंने प्रोसेस चीज यूज की है, आप इसमें मोजरेला भी चीज भी यूज कर सकते हैं। अगर आप स्पाइसी खाना पसंद करें तो चिली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं। आप देख सकते हैं, इसको नजदीक से दिखाती हूँ, इसमें देखिए बबल्स आ रहे हैं, चीज भी मेल्ट होने लग गई है। बस थोड़ा सा गोल्डन कलर आ जाए फिर रोल करते हैं। देखिए गोल्डन कलर आने लग गया है ना, अब हम इसे रोल करेंगे। खुशबू भी बहुत मस्त आ रही है। अब इसको नाइफ की हेल्प से कट कर लेते हैं। इसी तरह बाकी के भी बना लेते हैं। तवे को वापिस मोच लेते हैं कपड़े की हेल्प से या टिश्यू की हेल्प से। बैटर को सेम उसी प्रोसेस से डालना है। फैल गया, इस पे बटर वैसे ही लगाना है। पिज्जा सॉस, टमेटो केचप, कैप्सिकम, कैबेज, कोरिएंडर, चिली फ्लेक्स, नमक, स्प्रिंग ऑनियन, ये सब वैसे ही ऐड करना है। अब सर्विंग प्लेट में इनको सर्व कर देते हैं। चीज ग्रेट कर देती हूँ। कोरिएंडर लीव्स डाल देंगे। नारियल की चटनी, सॉस, तो तैयार है। इस पे थोड़ा सा स्प्रिंग ऑनियन और डाल दिया है मैंने। सांभर और चटनी के साथ सर्व करते हैं। तो बनाइए, खाइए और कैसा लगा जिनी डोसा कमेंट के जरिए मेरे को जरूर बताइए। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिए वीडियो अच्छा लगा हो तो, और बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले ताकि मेरे आने वाले वीडियो की नई रेसिपी सबसे पहले आपको मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय।